2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दों की बिसात बिछ गई है। नया मुद्दा प्रयागराज के निषाद राज किले से जुड़ा है, जिसे लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री ने दावा किया है कि यहां जो मस्जिद बनी है वो अवैध है और उन्होंने बाबरी की तरह मस्जिद को हटाने की मांग की है। ज्ञानवापी विवाद के बीच निषाद राज किले का भी मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। गोरखपुर में निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हुंकार भरी और उन्होंने बाबरी की तरह निषाद राज के किले से मस्जिद हटाकर निषाद राज का किला बनवाने की मांग की। निषाद राज भगवान राम जब मिले थे तो रात्रि विश्राम किए थे, अब भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हो उनके सीने पर कोई किला कोई मस्जिद बन जाए, हरे रंग का झंडा है तो वो चंदन वो मिट्टी ले जाके घर घर बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप इकट्ठा हुए, जिस तरीके से एकता बनी तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अयोध्या में आज राम मंदिर बन के खड़ा है, उसमें भी निषाद राज की मूर्ति लग रही है, तो आप सब लोग एक हो जाओ और एक होते ही अपने आप मस्जिद हट जाएगा और निषाद राज का किला बन जाएगा। इस किले को अपने समाज की धरोहर बताते हुए संजय निषाद ने हर लड़ाई लड़ने की बात कही। उनका दावा है कि निषाद राज किला उनके समाज की धरोहर है, इसलिए उसे उनके समाज को सौंप देना चाहिए। ये जो हुजूम है ये अपने को संकल्प लिया है, कसम खाया और स्थापित करा कि भाई हम स्थापित थे निषाद राज के वंशज के रूप में, मुगलों अंग्रेजों ने हमें विस्थापित कर दिया, पिछली सरकारों ने भी हम संविधान बनाए और अंग्रेजों को विस्थापित किया, लेकिन स्थापित होने के लिए संविधान में जगह है, सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, कानून बनाकर सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। जिस वक्त संजय निषाद ये कह रहे थे उस वक्त मंच पर दोनों डिप्टी सीएम बैठे थे। आपको बता दें कि गोरखपुर में बुधवार को निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसमें जुटे एनडीए के दिग्गजों ने उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निषाद वोट बैंक को सहेजने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।